बैरिज सार्थक की परीक्षा में बार बार सवाल आते हैं। आज की सीरीज आप सभी के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है अगर आप सरकारी नौकरी करने के लिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि आज हम ये प्रयास करेंगे कि उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा जाए जिसमें इतिहास, भूगोल, संविधान, अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, उत्तर प्रदेश स्पेशल, विविध के साथ वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो उत्तर प्रदेश के परीक्षाओं में पिछले 15 वर्षों से बार बार पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग इस वीडियो के अंत तक कॉपी कलम लेकर बने रहेगा, क्योंकि यह वीडियो आपको सिलेक्शन के करीब तक लेकर जाएगा। लेकिन उसके लिए आप सब ध्यान से ये देखिएगा कि जो प्रश्न आपको आ रहा है वो तो ठीक है, जो नहीं आ रहा है हम ये प्रयास करेंगे कि उसकी हम विस्तृत व्याख्या करें। इसलिए आप लोग अगर सरकारी नौकरी करने के लिए पढ़ रहे हैं तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, और जहाँ पे आपको जो भी दिक्कत आए, जो समस्या है, जो चीज़ समझ में ना आए, एक बार नहीं अब बार बार पूछेगा। जब तक आपको समझ में नहीं आ जाता तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि मेरा उद्देश्य आपका सिलेक्शन है। पहला प्रश्न आपके डिस्प्ले पर है, कथन और कारण। आपने देखा होगा आजकल परीक्षाओं में आपके ऐसे प्रश्न काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि जब ऐसे प्रश्न आपके ट्रेंड में रहे हैं तो आप ऐसे प्रश्नों को जरूर पढ़ें। कथन क्या रहा है कि राष्ट्रपति संसद का भाग होता है। जी हाँ, यहाँ पर हम जानते हैं, अगर हम बात करें अनुच्छेद, अगर हम यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा सिस्टम मेरा स्लो चल रहा है इस समय, इस वजह से देखिए, अगर हम बात राष्ट्रपति करें तो अनुच्छेद 79 में संसद शब्द का जिक्र, संसद कहाँ पे है अगर बात करें संसद, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के अंतर्गत दिया गया, जहाँ पे ये बताया गया है कि संसद का अभिन्न अंग राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, इन तीनों से मिलकर हमारे देश के संसद का निर्माण होगा। इस प्रकार राष्ट्रपति संसद का भाग है, यह भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 79 है उसके अंतर्गत ये लिखा गया है, उसमें यह कहा गया है। दूसरा, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक, विधेयक बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के कानून नहीं बन सकता। जी हाँ, हम और आप ये जानते हैं, यदि कोई भी विधेयक चाहे लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों से पारित हो जाए, लेकिन जब तक उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं होते तब तक वह विधेयक कानून का रूप नहीं ले पाता। इसलिए राष्ट्रपति की स्वीकृति अनिवार्य होती है, लेकिन आपने देखा है कि कोई भी विधेयक राष्ट्रपति उसे पुनर्विचार करने के लिए एक बार संसद को लौटा सकता है, किंतु धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक उसे पुनर्विचार करने के लिए राष्ट्रपति नहीं वापस कर सकता, लेकिन जब तक वह उस पर हस्ताक्षर न करे तब तक वह कानून नहीं बनता या वह संशोधन मान्य नहीं होता। इस प्रकार यह भी कथन सही है, और जब यह दोनों कथन सही है इसका मतलब यहां पर आपके सामने यह स्पष्ट होगा कि ए और आर दोनों सही है, और आर जो है ए की सही व्याख्या है। ठीक है, यहां तक किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो कमेंट करके बताएं। ये निशुल्क क्लास आप सभी के लिए देशहित में राष्ट्रहित में महत्वपूर्ण है। आप लोग इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलते हैं हम और आगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। अब मेरा सवाल आप सभी से है कि जो आपात, भारत में कितने प्रकार के आपात काल का जिक्र किया गया है? भारत में कुल 3 प्रकार के आपात का उपबंद किया गया है। अगर हम उन अनुच्छेदों में अगर हम देखें तो इसके 3 अनुच्छेद हैं। एक है अनुच्छेद 352, दूसरा अनुच्छेद 356, तीसरा अनुच्छेद 360। इसका तो जिक्र है लेकिन अभी तक कभी ये लगा नहीं है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो बाहरी आक्रमण के समय या जब सशस्त्र विद्रोह हो जाए, आंतरिक अशांति कारण नहीं लगाया जा सकता, सांप्रदायिक संघर्ष कारण नहीं लगा सकता, मतलब 1 और 3 इस प्रश्न का सही और राइट आंसर है। यह दोनों किस अनुच्छेद के तहत? अगर हम अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 352 के तहत। जी हाँ, राष्ट्रपति को यदि ज्ञात या समाधान हो जाता है कि युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह से भारत या उसके किसी राज्य क्षेत्र या किसी विशेष स्थान पर सुरक्षा के संकट है, तो वह अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है, या उसे बाह्य युद्ध की, बाह्य आक्रमण की भी आशंका हो। आप अगर जरूरत लगे तो यहां से इसकी स्क्रीनशॉट अपने पास जरूर रख लीजिएगा। एक बार आप सभी इस वीडियो को अपने साथी मित्रों को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि विशेष सीरीज आप सभी के लिए चल रही है ताकि आप सिलेक्शन ले सके। तो आपका सपोर्ट इतना है कि बस लोगों तक पहुंचाते रहिए। हम ये प्रयास करेंगे कि हम इस तरह से पढ़ाएं जब भी यहाँ से परीक्षा में सवाल आए आपके गलत ना।
अगला है आपके सामने, शायद आपको दिख रहा होगा कि संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल के कृत्य हेतु उपबंध कर सकता है। ये सभी ई लर्निंग विद दुर्गेश का अगर आपने नोट्स पढ़ा होगा, उस नोट्स में आपको पूरा पूरा मिल गया होगा। तो आइए इस बारे में हम जिक्र करते हैं। तो यहाँ पर अनुच्छेद 160, 162, 165, 310 है। तो यहाँ पर अनुच्छेद 160, जी हाँ, पूरी नोट्स में भी मैंने पढ़ाया होगा और टेलीग्राम पर भी पढ़ा होगा, आप एक बार देख लीजिएगा। दुर्गेश सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर आपको इसकी नोट्स मिल गई होगी, जिसमें पूरा जिक्र किया गया है सभी 395 अनुच्छेदों का। यहाँ पर हम लोग ध्यान से देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं, इन चारों अनुच्छेद को पढ़ते हैं। सबसे पहले अनुच्छेद 160 क्या कहता है, माने आकस्मिक अगर ऐसा कुछ लगता है तो राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन के बारे में अनुच्छेद 160 में दिया गया है। ठीक है, अगर हम बात करें अनुच्छेद 162 की, तो यहां पर हमने देखा राज्य की कार्यपालिका के शक्ति का विस्तार अनुच्छेद 162 में दिया गया है कि राज्य के कार्यपालिका के शक्ति का विस्तार। अगर हम बात करें अनुच्छेद 165 की, तो राज्य का महाधिवक्ता, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां सवाल आता है राज्य का महाधिवक्ता, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी के लिए, जो राज्य का महाधिवक्ता होता है इसका जिक्र भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के अंतर्गत कहा गया है। 310 ये भी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी सवाल आते हैं, संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की जो पदावधि है उसके बारे में यहां पर जिक्र किया गया है। जिसको साफ नहीं दिख रहा है, वीडियो की क्वालिटी बढ़ा ले, आपको पूरी तरह से हिस्ट्री दिखाई देगा। आप जरा कमेंट करें, आवाज साफ आ रही, वीडियो साफ चल रहा है ना। अगला, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है। आइए हम यहाँ पे ध्यान से देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे प्राधिकार है जो भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है या भारत के राष्ट्रपति को मिले हैं। इसमें वास्तविक और लोकप्रिय, यहाँ पे क्या है, वास्तविक लोकप्रिय, औपचारिक और विधिक, राजनीतिक नाम मात्र, संवैधानिक और नाम मात्र। देखिए अगर हम बात करें तो जो भारत का राष्ट्रपति है, यह अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होगा, वह 5 वर्ष के एक निश्चित अवधि के लिए निर्वाचित होगा, और संसद को यदि लगता है कि वह संविधान का पालन नहीं कर रहा है तो उस पर महाभियोग की प्रक्रिया भी चलाई जा सकती है। भारत में संसदीय प्रणाली अपनाई गई है, इसलिए राष्ट्रपति जो है वह संवैधानिक अध्यक्ष होता है। वास्तविक कार्यपालिका की जो शक्ति है वह मंत्रिमंडल में निहित है, और प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का प्रमुख होता है, और इसलिए कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होगा। तो राष्ट्रपति कार्यपालिका का एक औपचारिक अध्यक्ष है, वास्तविक शक्ति तो प्रधानमंत्री में निहित है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं, इस प्रश्न का उत्तर औपचारिक और विधिक शक्ति है, संवैधानिक और नाम मात्र का है। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर डी 2 और 4 होगा। अगर आपने भी इस प्रश्न का उत्तर डी बताया है, इसका मतलब आपके भी जवाब पूरी तरह से सही है। अब हम और आगे चलते हैं, सभी लोग इसे ध्यान दीजिएगा, यहां तक स्क्रीनशॉट कर लिया आप लोगों ने, इसकी पीडीएफ आपको क्लास खत्म होने के बाद मिल जाएगी। अगला है, गोत्र शब्द का जो प्रयोग है सबसे पहले कहां हुआ, बताइए जितने इस वीडियो को देख रहे हैं। गोत्र शब्द अथर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, वेद से भी प्रायः आपके परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं। यहां पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऋग्वेद होगा। अगर गोत्र प्रथा कह दिया जाए, तब अगर यहां पर होता गोत्र प्रथा, तो याद रहे गोत्र प्रथा का उल्लेख अथर्वेद में है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर यह कह देता, अगर इस परीक्षा में आ जाता गोत्र प्रथा, तब इसका उत्तर यह होता। लेकिन ऐसे इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, बी, केवल गोत्र। ऋग्वेद में कहा गया है, गोत्र प्रथा की बात करेगा तो अथर्वेद में कहा गया है। न्याय दर्शन की प्रवर्तक कौन है, सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइएगा कि जो न्याय दर्शन है उसके प्रवर्तक कौन है। सांख्य दर्शन कपिल, न्याय दर्शन गौतम, वैश्विक की अगर हम बात करें तो कणाद, अगर योग दर्शन की बात की जाए तो पतंजलि, अगर हम उत्तर मीमांसा दर्शन की बात करें तो बादरायण है, और अगर लोकाव्रत दर्शन की बात की जाए तो चार्वाक है, और वैशेषिक दर्शन की बात की जाए तो कणाद है, तो पूर्व मीमांसा की बात की जाए तो जैमिनी है। तो माने ऐसे प्रश्न आपके परीक्षाओं में
पूछे जाते हैं, और हम चाहते हैं कि जब भी ऐसे प्रश्न आए तो आप इसे हल करें। यह भी ई लर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स में होंगे, और अगर आपके पास कोई भी किताब होगी वहां पर भी ये जरूर होंगे। ये निःशुल्क क्लास आप सभी के लिए देशहित में राष्ट्रहित में महत्वपूर्ण है। अब हम और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कितने लोगों ने इस वीडियो को शेयर किया जरा कमेंट करके बताएं। जितने लोगों ने शेयर किया वही बताएं, जितने लोगों ने नहीं किया है वो यन कमेंट करें। आगे हम देखते हैं, निम्नलिखित में कौन मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है। जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वे सभी साथी बताएं। अद्वैत वेदांत, विशिष्ट द्वैतवाद वेदांत, भगवद गीता, मीमांसा। तो यहां पर भगवद गीता जो है, जबकि भगवद गीता है, अगर हम बात भगवद गीता की करें तो जो भगवद गीता है ये मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म, भक्ति को समान महत्व प्रदान किया गया। आगरा नगर की स्थापना किसने की थी, आगरा नगर की खोज किसने की थी, सवाल काफी महत्वपूर्ण है। तो सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएं कि आगरा नगर की खोज किसने की थी। जी हाँ, अगर हम बात करें तो 1504 में सिकंदर लोदी ने की थी। किसने? सिकंदर लोदी ने किया था। सिकंदर लोदी ने आगरा में अपनी राजधानी बनाई थी। सिकंदर लोदी ने क्या किया था, आगरा में अपनी राजधानी भी बनाई थी। आगरा की स्थापना, आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी ने किया था। तो ये चीजें याद रखिएगा। सभी लोग यहां से सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं, और हम ये चाहेंगे कि जो भी सवाल आपके परीक्षा में पूछे जाए या पूछे जाने की संभावना है वो आप सबके पास रटी हो। हम आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके सामने है कि तूती ए हिंद अमीर खुसरो का जन्म कहां पर हुआ था। तो यहां पे पट्टी, पाटली, पटियाली या पटियाला, इनका जन्म अगर हम बात करें तो 1253 में, 1253 में कहां पे हुआ था, एटा में हुआ था। एटा कहां पे है, यूपी में है, और उसके कहां पे, पटियाली में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी स्पेशल का सवाल है। मैंने कहा ना यूपी स्पेशल में भी ये सवाल आपके आते हैं, और ये विविध का भी प्रश्न है। ये दोनों जगह ये परीक्षा में पूछा जाता है। इनकी रचना अगर हम बात करें तो किरानुसादेन है, तुगलक नामा बहुत प्रसिद्ध है जो बार बार परीक्षा में पूछी जाती है, नू सिपेहर है, आसिका है, इनकी जो प्रमुख रचना है। हम आगे बढ़ते हैं, बहमनी राज वंश, बहमनी राज की स्थापना किस वर्ष हुई थी। सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताइएगा। अगर हम बहमनी राज्य और राजवंश की बात करें तो एक तरह से मोहम्मद बिन तुगलक में एक अधिकारी थे हसन, जिसका उपनाम जफर शाह था। तो उसने 1300 कितने में, 1347 में हसन ने अपने को फारस के वीर योद्धाओं को अर्थात बहमन का वंशज मानता था, इसलिए उसका जो वंश है उसका नाम वहनी बहमनी वंश कहलाया। कौन सा, बहमनी वंश कहलाया। और उसकी जो राजधानी थी कुलबर्ग और गुलबर्गा में बनाई। उसने अपनी राजधानी कहां बनाई, कुलबर्ग और गुलबर्गा में बहमनी राज की राजधानी बनाई। किसने, हसन ने। हम आगे चलते हैं, एक सवाल है आपके सामने कि मुस्लिम लीग ने निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में एम ए जिन्ना को अपनी 14 सूत्री प्रस्ताव रखा था। एम ए जिन्ना, तो एम ए जिन्ना का फुल फॉर्म क्या होगा, सभी साथी जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में जाएं और कमेंट करके बताएं। जितने भी साथी वीडियो को देख रहे हैं, चाहे आप फेसबुक पर देख रहे हैं, चाहे आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं, जहां भी देख रहे हैं ना, फटाफट कमेंट करें। बताइए सभी फटाफट कमेंट करके। अगर हम बात करें जिन्ना की तो ये 1929 में, 1929 में आप लोग वीडियो को शेयर कर दिए, संख्या बहुत कम है आपकी। देखिए 1929 में कब, 28 मार्च, 28 मार्च 1929 को
दिल्ली में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में अपने 14 सूत्री प्रस्ताव रखा, और ये जो अधिवेशन है ये जिन्ना की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। जिन्ना के 14 सूत्री मांगों के कारण नेहरू रिपोर्ट में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की सुविधा को न देना था। तो जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वे साथी इसकी स्क्रीनशॉट रख लें, हमेशा उनके काम आने वाला ये प्रश्न बैंक की सीरीज है। ठीक, अब हम और आगे चलते हैं आप सबके साथ, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। अगला सवाल है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया, बताइए इससे पहले फटाफट कमेंट करके। वैसे मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा इस प्रश्न का उत्तर लाहौर, लखनऊ, इलाहाबाद, रामगढ़, आइए इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। लखनऊ में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 49वां अधिवेशन हुआ था, कौन सा? ये आधुनिक भारत के इतिहास सीरीज मैंने पढ़ाई, एक बार देख लीजिएगा। जो 49वां अधिवेशन हुआ था ये 1936 में, अप्रैल 1936 में हुआ था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताई थी, तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वह क्या होगा आपका? लखनऊ होगा। क्या होगा? लखनऊ होगा। संप्राप्ति की अगर बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन लाहौर में 1893 में हुए थे, 1909 में, 1929 में, इलाहाबाद में 1888 में हुआ था, फिर 1892 में, फिर 1910 में हुआ था। कांग्रेस के अधिवेशन में हुए रामगढ़ में कांग्रेस अधिवेशन 1940 में हुआ था, लेकिन यहां पर प्रश्न का जो उत्तर होगा वो बी होगा। रामगढ़ में कब हुआ था यह मैं यहां जरूर लिखना चाहूंगा, रामगढ़ में कांग्रेस का 1940 में अधिवेशन हुआ था। बात अगर लाहौर की करें तो 1893 में, 1909, फिर 1929, तो ये कांग्रेस के जो अधिवेशन है प्रमुख ये लाहौर में हुए थे। इलाहाबाद में 1888 है आपके, फिर 4 साल बाद आपके 92 में है। तो ये प्रमुख ऐसे हैं जहां से आपके परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं, और हम ये चाहेंगे जब परीक्षा में सवाल आए तब उसका उत्तर जरूर बताएं। तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर अगला है, बांडीवास के युद्ध 1760 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, कहां हुआ था, कैसे? फ्रेंच ब्रिटिश, ब्रिटिश ने डच को हराया, ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया, डच ने ब्रिटिश को हराया। तो यहां पर आप लोगों ने एकदम सही बताया है। ठीक, तो यहां पर आप लोग जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं जरा कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके बताइए। एकदम सही आप लोगों ने जवाब दिया है, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है आपका सी। ब्रिटिश ने क्या किया? फ्रेंच को हराया। ब्रिटिश ने क्या किया? फ्रेंच को हराया। 1760 में, ये जनवरी में हुआ था, 22 जनवरी को बांडीवास का युद्ध। आयरकुट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने लाली के नेतृत्व वाली जो फ्रांसीसी सेना को हरा दिया, परास्त कर दिया, और फिर 1761 में पांडिचेरी पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। किस पर? पांडिचेरी पर अंग्रेजों का अधिकार 16 जनवरी 1761 को हो जाता है। हम बढ़ते हैं इसके अगले प्रश्न की तरफ, आप चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट अपने पास रख सकते हैं, वैसे इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। आप लोग फेसबुक पे कितने लोग जुड़े हैं? जो जुड़े हैं तो इलेनी विद दुर्गेश को लाइक का बटन दबाएं और फॉलो कर लें। अब एक तरफ दर्रा है, दूसरी तरफ राज्य है, तो मैं जानता हूं आप लोग कर लेंगे। बनिहाल जम्मू कश्मीर में, यह भी नोट्स में है। नाथुला की अगर हम बात करें तो सिक्किम में बहुत पूछता है। नीति दर्रा मोस्ट इंपॉर्टेंट उत्तराखंड में है। शिपकिली दर्रा है वो हिमाचल प्रदेश में। अब आपको बताना है इस प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है। जितने इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं जरा कमेंट करके बताएं, ठीक है, कि इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा। अब हम बढ़ते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय जो मानक, यहां पे ध्यान से देखते हम लोग, भारतीय मानक समय यमोत्तर नहीं गुजरती, यह 5 राज्यों से गुजरती। कितने राज्यों से? यह है 5 राज्यों से गुजरती है, जो 82 से 1/2 डिग्री पूर्वी है। अगर हम बात करें कहां कहां से गुजरती है तो यह
यूपी से गुजरती है, यूपी के बाद एमपी से, और एमपी से टूटा है छत्तीसगढ़, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसके अलावा आंध्र प्रदेश। अब बताइए उड़ीसा, 1 2 3 5। अब यहां पे ये महाराष्ट्र से नहीं गुजरती, ये कहां से, ये महाराष्ट्र से नहीं गुजरती, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, सी, ये आंध्र प्रदेश से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से, उत्तर प्रदेश से। तो जो भारत का मानक समय है ये इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है। बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का किस राज्य में है? तो जितने भी साथी वीडियो को देख रहे हैं कमेंट करके बताएंगे, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश। जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर होगा राजस्थान। सरिस्का बाघ रिजर्व राजस्थान में है, उत्तराखंड में कार्बेड है, मध्य प्रदेश में पेंच टाइगर रिजर्व है, जो परीक्षा में पूछा जाता है। मेरा सवाल है, ये लेनी भी दुर्गेश के नोट्स में भी होगा, कान्हा किसली कहां पर है, कान्हा किसली कहां पर है? अगला है आपके सामने, भारत में निम्नलिखित टाइगर रिजर्व में कौन सा मिजोरम में अवस्थित है? बताइए मिजोरम में कौन सा है, मेलघाट, बुक्सा, डंफा, भद्रा? पता ही सभी लोग फटाफट कमेंट करके। एकदम सही आप लोगों ने बताया, मिजोरम में डंफा है। कौन सा है? डंफा है। मेलघाट सतपुड़ा की पहाड़ी में है, अगर मेलघाट की बात की जाए तो सतपुड़ा की पहाड़ी में है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल आपके पूछे जाते हैं, जब भी आता है तो नहीं कर पाते लोग। बुक्सा की अगर बात की जाए तो ये पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में है। भद्रा कहां पे है? ये कर्नाटक में है। तो ये ऐसे प्रश्न है जहां से परीक्षा में सवाल आते हैं तो लोग गलत करते हैं, लेकिन हम ये चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में पिछले 15 वर्षों में जो परीक्षाएं हुई हैं उनके जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका निचोड़ हम आपके लिए लेकर आए, ताकि भविष्य में आपके यहां से कोई भी प्रश्न गलत ना होने पाए। तो आप लोग इस वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए यार, आपको कहना पड़ता है क्या, शेयर कर दीजिए, पैसे नहीं लगेंगे, चाहे फेसबुक पे देख रहे हैं चाहे से यूट्यूब पर देख रहे हैं। अच्छा जरा बताइए, कितने लोगों ने इलेनी विद दुर्गेश का ऐप इंस्टॉल किया है, जरा कमेंट करके बताएं, और कितने लोगों ने उसको शेयर भी किया है। भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र? सभी लोग फटाफट कमेंट करिए, भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल है कहां पे? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा? अच्छा मध्य प्रदेश नहीं, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र। देखिए यहां पर होगा इस प्रश्न का उत्तर सी, गुजरात में। कहां पर होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? है गुजरात में। कहां पे? गुजरात में। भारत में लवणीय मृदा सर्वाधिक क्षेत्रफल राजस्थान और गुजरात में है। ठीक, सी ए इंटू आपका SO4 इंटू 2H2O लवणी मृदा हो गया आपकी, ये सी ए है ना, सी ए इंटू SO4 इंटू 2H2O। आगे निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य पत्तन का उदाहरण है? बाह्य पत्तन का उदाहरण कौन सा है? पोरबंदर, हल्दिया, पणजी, विशाखापट्टनम? इस प्रश्न का उत्तर होगा हल्दिया। क्या होगा? हल्दिया ये पश्चिम बंगाल में, कहां पर ये सवाल आता है कहां पर है तो ये आप जान लीजिएगा, ये आपका वेस्ट बंगाल में है। कहां पर है? वेस्ट बंगाल में। ऐसे पत्तन जो मुख्य पत्तन का सहायक पत्तन होते हैं और गहरे जमीनी भाग में होते हैं, मुख्य पत्तन की मदद करते हैं, गहरे जमीनी भाग में होते हैं, उन्हें हम बाह्य पत्तन कहते हैं। ये रट लीजिएगा, यहां से प्रश्न आता तो ज्यादातर लोगों के सवाल गलत होते हैं। अगला सवाल है, एलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ है? एलोस्टोन नेशनल पार्क अवस्थित है ब्राजील, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, यूएसए? तो सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइए। तो जो एलोस्टोन नेशनल पार्क है वह आपके यूएसए में है। कहां पर है? यूएसए में है, अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर डी होगा। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इस पार्क में ओल्ड फेथफुल गीजर है, इसे प्रत्येक मिनट उद्गार होता रहता है। ठीक है, जब बहुत से ज्वालामुखी क्षेत्र में उद्गार के समय दरार और जो सुराख होते हैं, जल निकलता है और कुछ वाष्प कुछ अधिक ऊंचाई तक
निकलने लगते हैं तब उसे गीजर कहते हैं। जैसे ज्वालन की जहाँ उद्गार होता है वहां से निकले और खूब वायुमंडल फैल जाए, धुआं हो जाए, कोहरा हो जाए, उसे धुआरे कहेंगे, और जब जलवाष्प की तरह निकलेगा तब उसे गीजर कहते हैं। ओल्ड फेथफुल इसी प्रकार का एक गीजर है, जो ओल्ड फेथफुल है इसी प्रकार का एक गीजर है, क्योंकि महाद्वीप भी आपके सिलेबस में है इसलिए मैंने इसको भी बता दिया। अब हम और आगे चलते हैं, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला है आपके सामने, निम्नलिखित में क्रियाशील ज्वालामुखी कौन सा है? क्रियाशील माने सक्रिय ज्वालामुखी पूछ रहा है। एकाकागुआ, एटना, किलिमंजारो, विशुवियस, सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइएगा। और ये सभी लर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स में है, अगर आपने अभी तक नोट्स नहीं प्राप्त किया है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आज ही जानकारी कर लीजिए। ये सभी क्लास जौनपुर जनपद के सिराज हिंद से मेरे द्वारा आप सभी को निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है, देश हित में, राष्ट्र हित में, ताकि अभी की बार एक सीट हमार। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एटना और विशुवियस हम यूँ कह सकते हैं ये दोनों ज्वालामुखी हैं, सक्रिय है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित अगर मृत ज्वालामुखी की बात की जाए तो एकाकागुआ है। मृत ज्वालामुखी सबसे ज्यादा एकाकागुआ है, सबसे ऊंचाई पर पेरू एंडीज पर्वतमाला में है। किलिमंजारो अफ्रीका शांत ज्वालामुखी है, किलिमंजारो एक शांत ज्वालामुखी है, कहां पर? अफ्रीका महाद्वीप में है। जबकि एटना इटली का सक्रिय है और विशुवियस जो है ये भूमध्य सागर का ज्वालामुखी है। इसलिए याद रखिएगा मैंने कहां कहां पे है ये भी बता दिया है। अगर आपको समय मिल जाए तो एक बार जो इलनी दुर्गेश के जो विश्व भूगोल की सीरीज मैंने पढ़ाया है एक बार देख लीजिएगा, आपके जो कॉन्सेप्ट है वो और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जवाब दें, कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है, सभी लोग फटाफट बताइए। देखिए, किम्बरले, हीरे की खान, कैडंगा, ताबा, बिट वाटर रैंड, सोना। लेकिन सार जो है ये लव स्केल की नहीं है, सार किसके लिए है? कोयला के लिए। किसके लिए है? ये कोयला के लिए है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी, माने जो गलत है वही आपका सही होगा। आगे देखते हैं, फारस की खाड़ी सीमा नहीं बनाती, फारस की खाड़ी जो है वो सीमा नहीं। ये भूगोल के सवाल है तो बताइए, बहरीन से, इराक से, कुवैत से, ओमान से? ओमान जो है इसके साथ सीमा नहीं बनाती, मतलब अब साफ है, बहरीन, इराक, कुवैत ये सभी फारस की खाड़ी के तटीय देश हैं, जबकि ओमान की सीमा इसको नहीं टच करती, नहीं स्पर्श करती। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर डी होगा। आप लोगों ने इसके स्क्रीनशॉट रख लिया अपने पास। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यही आपको बताना है। अच्छा, कौन सा है? तांबा, एरिजोना। एरिजोना कहां पर है? अमेरिका में, यूएसए। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ए होगा, तांबा कहां पे? एरिजोना में। अगला है, निम्नलिखित जलडमरू में से, जलडमरू मध्यों में से, किस जलडमरू मध्य से एक सुरंग यूनाइटेड किंगडम तथा फ्रांस को जोड़ती है? जलडमरू से एक सुरंग यूनाइटेड किंगडम तथा फ्रांस को जोड़ती है, तो सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएं। डेविस स्ट्रेट, डेनमार्क स्ट्रेट, स्ट्रेट ऑफ डोवर, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। देखिए, इस प्रश्न का उत्तर होगा स्ट्रेट ऑफ डोवर। ये सब मैंने पढ़ा है, नोट्स में सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। यार आप लोग वीर से कह रहे हैं कि वीडियो को शेयर कर दीजिए, पैसे नहीं कटेंगे आपके। डेनमार्क जल संधि उत्तर अटलांटिक और आर्कटिक महासागर जोड़ती है। जो डोवर जल संधि है, स्ट्रेट ऑफ डोवर, ये इंग्लैंड और फ्रांस को जोड़ती है। क्या करती है? ये इंग्लैंड और फ्रांस को जोड़ती है। डेविस जल संधि बेफिन की जो खाड़ी है और अटलांटिक महासागर जोड़ने का काम करती है। अगर ग्रीनलैंड की बात करें, ग्रीनलैंड कनाडा को जोड़ती है, कौन? डेविस जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि जो है ये स्पेन और मोरक्को को जोड़ती है, मतलब भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने का काम करती है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर सी का सही जवाब होगा। जिसको साफ नहीं दिख रहा है वो इस वीडियो, जो आप वीडियो देख रहे हैं इसके तीन डॉट बिंदु पर क्लिक करिए कॉर्नर पर, और उसकी वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, आपको HD में दिखाना शुरू हो जाएगा। ये मेरा माउस बार बार काम करना बंद कर देता है। जरा इसको भी खरीदना पड़ेगा न्यू।
अगला सवाल अलेक्जेंड्रिया समुद्र पत्तन है, बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। देखिए अलेक्जेंड्रिया समुद्र पत्तन जो बंदरगाह है मिस्र में है, इजराइल में है, जॉर्डन में है, लीबिया में है, कहां पे है? एक मिनट रुकिएगा, ये मिस्र में है लेकिन काम ही नहीं कर रहा है। एक मिनट रुकिएगा भैया, काम ही नहीं कर रहा, देख रहे हैं ये मेरा टच पैड ही नहीं काम कर रहा है। ये मिस्र में है, अलेक्जेंड्रिया समुद्र पत्तर जो बंदरगाह है ये मिस्र में है। अगर हैफा बंदरगाह की बात करें तो इजराइल में, इजराइल का प्रमुख है हैफा। चलिए चलने लगा। अब देखिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, मिस्र होगा। देखिए इजराइल की प्रमुख बंदरगाह है जिसका नाम है हैफा, जेद्दा बंदरगाह सऊदी अरब में है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछ सकता है, मसावा बंदरगाह इरिट्रिया में है, जकार्ता बंदरगाह इंडोनेशिया में है, और लागोस जो बंदरगाह है वो नाइजीरिया में है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ए होगा। ठीक, हम आगे चलते हैं। और आगे अगला आपके सामने सवाल अब काम कर रहा है, निम्नलिखित में से किस उत्पाद के औद्योगिक उत्पादन में ओजोन क्षरण करने वाली गैस उत्सर्जित नहीं होती? ये बहुत इंपॉर्टेंट है सवाल, यहां से आता है। परफ्यूम, बॉडी स्प्रे, फोम के गद्दे, आधुनिक रेफ्रिजरेटर। देखिए परफ्यूम से होती है, फोम के गद्दे से होती है, बॉडी स्प्रे से होती है। अगर एक तरह से देखा जाए तो रेफ्रिजरेटर से होती है लेकिन आधुनिक रेफ्रिजरेटर से नहीं होती, जो अब वर्तमान में आते हैं इससे नहीं होती। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, डी होगा। ओजोन परत एक रासायनिक पदार्थ है, इसे सीएफसी कहते हैं, जो ओथरी है सीएफसी से तोड़ने का काम करता है, तो रेफ्रिजरेटर से निकलता है, फोम, परफ्यूम, बॉडी स्प्रे। फोम एक प्राकृतिक पदार्थ है लेकिन आधुनिक रेफ्रिजरेटर नहीं, रेफ्रिजरेटर है आधुनिक रेफ्रिजरेटर नहीं है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी कहां पर है? नागपुर में, यह रट लीजिएगा, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का जो दहन, ध्यान से देखिएगा, कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन का जो मूल स्रोत क्या है, जो उसका स्रोत है, जल प्रदूषण, भू प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि का प्रदूषण। तो आपको भी पता होगा कोयला, डीजल, पेट्रोल जलाएंगे तो कौन सा प्रदूषण होगा, वायु प्रदूषण ही होगा। ठीक, स्क्रीनशॉट से आप लोग कर लें, बाकी आपकी मर्जी, हम ये कहेंगे बार बार कि आप इसकी स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। अगला है धावन मशीनी, जो धावन मशीन का जो कार्यकारी सिद्धांत है वो किस पर काम करता है, ये साइंस का सवाल है। सभी लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में जाइएगा, कमेंट करके बताइएगा। देखिए यहां पे इसका होगा, जो धावन मशीन का कार्यकारी सिद्धांत है यह है अपकेंद्री बल पर काम करता है। किस पर? अपकेंद्रीकरण पर। जैसे वृत्ति गति में, जैसे अगर हम बात वृत्ति गति की करें, जैसे अगर वृत्ति गति में अपकेंद्री बल के अतिरिक्त एक अपकेंद्री बल भी काम करता है, और यही अपकेंद्री बल के विपरीत ये बाहर क्यों लगता है, यह अपकेंद्री बल के विपरीत बाहर क्यों लगता है, ये याद रखिएगा। दूध से मक्खन निकालना, कपड़े धोने की मशीन की जो कार्य प्रणाली का सिद्धांत है इसी पर काम करता है, अपकेंद्रीकरण का उदाहरण है। ठीक है, एक आया है अपोहन, अपोहन के बारे में लिख लीजिए अगर कलम कॉपी लेकर बैठे हो तो। अपोहन जो होता है डायलिसिस के द्वारा, इसे डायलिसिस कहते हैं, हिंदी में इसे क्या कहते हैं, डायलिसिस कहते हैं। जी हाँ, लिख लीजिएगा, इसे डायलिसिस इसी को कहते हैं, अगर आपको नहीं पता हो तो लिख लीजिएगा, जितने भी साथी वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग, आपकी मर्जी, इसे हम डायलिसिस कहते हैं। गुर्दे के खराब होने की स्थिति में रक्त को शुद्ध करने का काम किया जाता है। अगला है
किसे नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? थोरियम, भारी पानी, रेडियम, सादा पानी। यार वीडियो में आपकी संख्या बहुत कम है यार, क्यों बार बार आप कहते हैं, वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखिए यहां पर आप लोगों ने बताया सही, भारी पानी। भारी पानी को हम D2O कहते हैं। क्या कहते हैं? D2O कहते हैं। ये थोरियम और प्लूटोनियम का जो प्रयोग भी ईंधन के रूप में करते हैं, लेकिन विखंडन की जो अभिक्रिया होती है इसमें न्यूट्रॉनों गति तेज होती है और इनको मंद गति करने के लिए, मंदित करने के लिए D2O का प्रयोग, भारी जल या ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। ठीक, इसमें कैंडियम या बोरान की लंबी छड़ का भी प्रयोग करते हैं इस श्रृंखला में अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए। स्क्रीनशॉट आप लोग कर लीजिएगा। अगला सवाल है, आकाश नीला दिखाई देता है, सभी लोग फटाफट कमेंट करें। आकाश नीला दिखाई देता है प्रकाश के विवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण। जी हां, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। लॉर्ड रेले के अनुसार अगर देखें, किसी रंग का प्रकीर्णन उसी तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। जिस रंग से प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है उस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक, और सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य के प्रकाश के रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। अतः आकाश का जो रंग है सूर्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर डी होगा। अब हम और आगे चल रहे हैं। 24 कैरेट शुद्ध सोना कैसे होगा, कितना होगा? इसका जो फॉर्मूला है, अगर हम 24 कैरेट जाते हैं, 24 कैरेट बराबर 100% होता है, और अगर 1% निकालना हो तब क्या करेंगे, 100/24। यहां पे पूछा कितना है, 22 कैरेट, तो गुड़े अगर हम 22 कर देंगे तो ये क्या निकल जाएगा, 22 कैरेट का निकल जाएगा। इसी को हल कर दीजिए, आपको उत्तर आएगा लगभग 90% के नियर अबाउट आएगा, मतलब यहां पे क्या होगा, 92%, मतलब इस प्रश्न का जो सही उत्तर है क्या होगा। अगर 18 कैरेट पूछ देता तब 18 कैरेट, कुछ नहीं करना है, 100/24 गुणे 18 कर देंगे तो 75% हो जाएगा 18 कैरेट। तो ये सूत्र है, परीक्षा में सवाल आता है। ठीक, आगे, निम्नलिखित में से अर्धचालक कौन से हैं? देखिए अर्धचालक पदार्थ के मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये चालकों से कम होती है, तथा प्रतिरोध 10^-2 से लेकर 1 मीटर तक होती है। ताप बढ़ने पर जो अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है, ये चालकता उसकी बढ़ जाती है। ताप बढ़ने पर जो अर्धचालक होते हैं इनके जो प्रतिरोध क्या होती है, घटने लगती है और चालकता बढ़ जाती है। जैसे सिलिकॉन हो गया, सिलिनियम हो गया, जर्मेनियम हो गया, इसलिए हमने देखा जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, ठीक है, उसके बाद सिलिनियम हो गया, इसलिए इस प्रश्न का अगर उत्तर हम देखें तो सी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, यहां तक आप लोग अगर देख लिया हो तो आपने इसकी स्क्रीनशॉट कर ली है तो ठीक है, क्योंकि इसके साथ हम लोग और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं, और आप रेस के घोड़े। निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त होने वाले पदार्थ कौन से हैं? यू कह सकते बेहोश करने के लिए, क्लोरोफॉर्म, उसके अलावा नाइट्रस ऑक्साइड, हीलियम का प्रयोग नहीं करते, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग नहीं करते, मतलब संवेदनाओं को कम करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और सबसे पहले अगर देखें विलियम मोर्टन ने 1846 में डाई एथिल ईथर के रूप में इसका प्रयोग किया था। ठीक है, फिर आगे देखते हैं कि 1847 में, एक साल के बाद, जेम सिम्पसन ने क्लोरोफॉर्म का बेहोशी के रूप में प्रयोग किया। क्लोरोफॉर्म हो गया, पेंटाल हो गया, सोडियम हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, हेलोथेन हो गया, ट्राइक्लोरोएथिलीन हो गया, क्लोरोप्रोपेन हो गया, कोकीन हो गया, डाइजीपामा हो गया, एडाइजीपाम हो गया, और बेरनोल हो गया आपका, ये निश्चेतक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, और हम आगे चलते हैं। अब हमें कुछ विचार करना है, क्या विचार करना है, आइए ध्यान से देखते हैं। यहाँ पे कुछ विचार करना, सही क्रम एक कैलेंडर वर्ष में
ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाए जाते हैं। तो आइए अगर हम बात करें विश्व स्वास्थ्य दिवस, तो ये प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ये 1 दिसंबर एड्स दिवस 1 दिसंबर को। अल्जाइमर ये कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है। कुष्ठ निवारण, ये जिस दिन महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी। अब आप बताइए, क्रम से सजाइएगा और बताइएगा। हाँ, लाफिंग गैस का भी यूज होता है निश्चेतक के रूप में। आप लोग इसके स्क्रीनशॉट रख लीजिए, बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। ठीक, अगर हम कैलेंडर वर्ष की बात करें, देख लीजिए यह प्रश्न आप लोगों के सामने पहली बार आया होगा। कि कुछ लोग कह रहे होंगे सर ऐसा भी प्रश्न आता है, बहुत सारे लोग दिवस याद किए होंगे विविध को पढ़ने के लिए, लेकिन विविध में भी ऐसे भी सवाल आते हैं। आज आप लोग देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, क्योंकि सिलेक्शन लेना है, सरकारी नौकरी करनी है, तो ये सारी चीजें आपके सरकारी नौकरी करने में बीच में व्यवधान उत्पन्न ना करें। हमारे शरीर के पृष्ठ के नीचे वर्षा निम्नलिखित में से किस एक के विरुद्ध बाधा के रूप में कार्य करती है? शरीर के से उष्मा की हानि, शरीर से नमक की हानि, शरीर से आवश्यक तरल पदार्थों की हानि, वातावरण से हानिप्रद सूक्ष्म जीवों का प्रवेश। तो यहां पे ध्यान देंगे हम सब, इस प्रश्न का उत्तर होगा शरीर से उष्मा की हानि। निम्नलिखित में से किसे एकाधिकार में फसल बीमा है? अब हम अगर बात करें तो इकोनॉमिक्स के टर्म में आ चुके हैं। तो फसल बीमा योजना राष्ट्रीय किसी बीमा कंपनी का एकाधिकार है। किसका? जनरल इंश्योरेंस कंपनी का। सन 2003-04 की में अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय कृषि बीमा कंपनी का स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना से पहले फसल बीमा योजना जनरल इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा किया जाता था। इसकी भी स्क्रीनशॉट आप चाहें तो ले सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी। अगला है, निम्नलिखित में से कुछ कूट दिया गया है, आप उस कूट को मिलान करना है। एक तेल शोध कारखाना है, दूसरा राज्य है। तो तटीपाका कहां पे है? ये आंध्र प्रदेश में है। कोयली गुजरात, नागापट्टिनम तमिलनाडु, नुमालीगढ़ असम। अब आप इसको मिला लीजिए। हरियाली कार्यक्रम, हरियाली कार्यक्रम का संबंध किससे है? ग्रामीण पर्यावरण संरक्षण से, पशु हेतु चारे की व्यवस्था से, जल संचयन के प्रबंधन से। जी हाँ, यह भी नोट्स में है, अगर आपने नोट्स पढ़ा होगा तो ये छोटे छोटे प्रश्न भी आपको मिल जाए। ये पंचायती राज संस्थान के द्वारा चालू किया गया था 2003 में हरियाली योजना। ये जो ग्रामीण क्षेत्र था समुदाय में वाटर सेट के आधार पर क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम क्रियान्वित करने के लिए एक नई प्रेरणा प्रदान करती थी। अब हम और आगे चलते हैं। चलते अगले सवाल की तरफ। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा संस्था विदेशी वाणिज्य उधारी को नियमित करती है? सेबी, वित्त मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक। ये क्या करती है? ये नोट निर्गमन का काम करती है, दूसरा सामान बैंकिंग का काम करती है। अगला है, निम्नलिखित भारत में कौन सी संस्था निर्यात व्यापार के जोखिम बीमा का काम करती है? तो वह क्या होगा? एक्जिम बैंक, निर्यात साख गारंटी निगम, सामान्य बीमा, यह सभी, यहां पर यह सभी नहीं होगा, सरकारी विकल्प नहीं होगा यहां पे। नियमित साख एवं गारंटी निगम, भारत के जो निर्यात साख एवं गारंटी निगम संस्था है, यह निर्यात व्यापार के जोखिम की बीमा करती है। अगर इसकी स्थापना की बात की जाए तो 1964 में शायद इसकी स्थापना हुई थी। यह भारत एवं विश्व दोनों में मान्यता प्राप्त एक सार्वजनिक संस्थान है और एक बीमा कंपनी भी है। भारत में केंद्र सरकार, भारत में केंद्र सरकार के बजट में राजस्व घाटे से ब्याज भुगतान घटाने पर क्या प्राप्त होता है? डेफिसिट
डेफिसिट, फाइनेंसिंग, बजटीय घाटा, राजकोषीय घाटा, नहीं प्राथमिक घाटा। भारत के निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य के सकल जनसंख्या के सापेक्ष नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम रहा? तो वह है आपका हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, राजस्थान। यहां पर होगा हिमाचल प्रदेश, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। हम और आगे चलते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? रट लीजिएगा, आपको याद होना चाहिए। देखिए, नागालैंड का 119 है, सिक्किम का 86, मिजोरम का 52, अरुणाचल प्रदेश का 17 है। अब आपको पता होगा इस प्रश्न का उत्तर क्या है, अरुणाचल प्रदेश। सबसे ज्यादा किसका है जनघनत्व, सबसे ज्यादा किसका है कमेंट करके बताइएगा। भारत में 10 की जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम किस वर्ष रही है? 61 से 71, 81 से 91, 91 से 2001, 2001 से 2011। तमाशा संगीत नाटक का प्रसिद्ध लोक स्वरूप है, कहाँ का? बिहार, पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र। तमाशा महाराष्ट्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, यहाँ पे लावणी है और दही हांडी है। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का अपना जलप्रपात जल प्राप्त कहां से करता है? अलकनंदा नदी, रामगंगा, धौली गंगा, शारदा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि आपको परीक्षाओं में नहीं मिलता, प्रायः किताबों में नहीं मिलता। आप सभी साथी जो लोग लिंक में दुर्गेश पे जुड़े हो सब टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे, इसकी पीडीएफ जल्दी आपको मिल जाएगी। दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब ई लर्निंग विद दुर्गेश है। साथ ही साथ आप लोग ऑनलाइन क्लास नोट्स से संबंध में जानकारी चाहिए, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं सभी साथी। ये सभी क्लास जौनपुर जनपद के सिराजे हिंद से मेरे द्वारा आप सभी के लिए निःशुल्क चलती है। देखिए, इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका रामगंगा। क्या होगा? रामगंगा। निम्नलिखित में किसे स्वर्ण द्वार का नगर कहा जाता है? देखिए, राष्ट्रीय जो उद्यान है जिम कार्बेट, ये उत्तराखंड के नैनीताल में है, और रामगंगा नदी इसी राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहती है। ठीक है, किसे स्वर्ण द्वार का नगर कहा जाता है? पेरिस, एमस्टर्डम, मुंबई, सैन फ्रांसिस्को। इस प्रश्न का उत्तर होगा सैन फ्रांसिस्को, क्योंकि गोल्डन गेट पर उत्तरी अमेरिकी जलसंधि है जो सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी को प्रशांत महासागर से जोड़ती है, और गोल्डन गेट पुल एक मानव निर्मित रचना है जो सैन फ्रांसिस्को में है। जीटी रोड कहाँ कहाँ से गुजरती है कमेंट करके बताइएगा। ये इलाहाबाद से गुजरती है, आगरा से गुजरती है, मुगलसराय से, लेकिन यह अलीगढ़ से होकर नहीं गुजरती है। जीटी रोड का पूरा नाम ग्रैंड ट्रंक रोड है, इसे किसने बनाया था? शेरशाह सूरी ने। इसे सड़क ए आजम कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? सड़क ए आजम, सड़क ए आजम के नाम से भी ये जाना जाता है, सड़क ए आजम के नाम से भी ये जाना जाता है। ये पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब से होकर गुजरता है। ठीक है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग इस वीडियो के अंत तक यहाँ तक बने रहे, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस क्लास की यहाँ पर समाप्त होती है। आप सभी साथी इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों तक शेयर करिएगा, अपने सभी साथी मित्रों तक पहुँचा दीजिएगा, क्योंकि अब की बार एक सीट हमारा। आज की क्लास में यहाँ पे 50 प्रश्नों के जो प्रश्न बैंक थे जीएसजी के विविध करण की, वो यहाँ पे समाप्त होता है। आप लोग इस वीडियो को जब भी परीक्षा हॉल में जाना उसके पहले कई बार देख लीजिएगा। अगर आप प्रतिदिन क्लास ई लर्निंग विद दुर्गेश पर रहकर पढ़ते हैं तो जल्द ही आप सफल होंगे, क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं, और आप रेस के घोड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बेस्ट ऑफ लक। वीडियो को शेयर करिएगा, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, यूट्यूब ई लर्निंग विद दुर्गेश है, वहां भी फॉलो करिएगा। इसकी जो नोट्स है ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप पर मिल जाएगा। थैंक यू सभी का, बाय बाय।